हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक नई ट्रिक के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरा नाम विक्रम सिंह और ये है दीक्षा। आज फिर वही एक माइंड रीडिंग की ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूँ। ये ट्रिक कुछ इस तरह परफॉर्म की जाती है। इस ट्रिक में मैं इनके माइंड को कंट्रोल करूँगा, मैं तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करूँगा। हमारे पास दो डेग हैं, एक बार दर्शकों को दिखा दो कि एक बार पहले आप खुद चेक कर लो कि इसमें कोई चीटिंग तो नहीं है, कोई कार्ड आपस में रिपीट तो नहीं होता, सारे कार्ड अलग अलग हैं। एक बार आप चेक कर लो, कोई ऑर्डर में तो नहीं लगे, कोई सीक्वेंस में तो नहीं लगे, सब अलग अलग हैं। देखिए, आप मेरे भी चेक कर लीजिए एक बार और अपने भी देखिए कि सब कार्ड अलग अलग हैं जी। कोई क्या जिस तरह से मेरे कार्ड लगे ऐसे आपके तो नहीं लगे, नहीं ना? नहीं। तो एक बार कैमरे में दिखा दीजिए। दिखा दिया, मैं भी दिखा दूँ। दोस्तों, ये ट्रिक कुछ इस तरह से है, इसमें दोनों के कार्ड अलग अलग हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीरियल से नहीं लगा रखे, कोई कार्ड आपस में रिपीट नहीं है। एक गड्डी मेरे पास रहेगी, एक दर्शक के पास रहेगी। ये दर्शक कोई भी हो सकता है, चाहे वो आप वीडियो कॉल पे किसी से के साथ ये मैजिक दिखा रहे हो या कोई जनता में से किसी एक के साथ आप ये कर रहे हो। ये डेक उसकी हो सकती है या आपकी भी है, तो आप उसे दे सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर सकता है वो, हर तरह से वो इसे मतलब संतुष्ट हो सकता है कि हाँ, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो ठीक है, एक डे आपकी, एक डे मेरे पास है जी। अब मैं अपने माइंड की पावर से आपके माइंड को कंट्रोल करूँगा, यानी कि हम दोनों का माइंड एक ही तरह काम करेगा। अभी कैसे काम करेगा, चलो देख लेते। सबसे पहले आप अपना जो बाया हाथ है वो मेरे बाएं हाथ के ऊपर रखेंगे। अब आप मन ही मन सोचिए कि जो मैं आपको ऑर्डर दूंगा वही आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट करेगा, यानी कि आपका दिमाग मेरे दिमाग के कहने पर चलेगा। आप मन में एक बार सोच लीजिए बस इसको। सोच लिया, आपका दिमाग अब मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, चलिए अपना हाथ हटा लीजिए। अब देखिए, मैंने इनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए गेम को दिखाते हैं। गेम किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर आप लोग खुद समझेंगे इसमें क्या है। और दोस्तों, मैं आपको गेम शुरू करने से पहले बता दूं, इस मैजिक को लेकर हमारे बीच में कोई सेटिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, जो कुछ दोबारा आपके सामने लाइव हो रहा है। क्योंकि जब मैं आपको ये मैजिक सिखाऊंगा तो आप खुद इस बात को समझ लेंगे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी डेक को जैसा मैं करूँगा बिल्कुल वही करना है। आप आधी डेक काट दीजिए, ऐसे करना है जब तक सामने दिखते रहे। ये काट दिया आपने, ठीक है। अब कौन सी डेक काटी, ये काट के रखी है आपने, ठीक है। और ये अब बची हुई डेक को आप एक बार खोल लीजिए, ऐसे ऐसे जो बची हुई है, ये जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे। एक बार देखिए, इसके सारे कार्ड आप इस तरह से देखिए, क्या हमारे कार्ड आपस में कोई सीक्वेंस है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं। इस कार्ड को आप अलग कर दीजिए, कटी हुई डेक को, आपके भी अलग हो गए, मेरे भी अलग हो गए। आइडिया से काटिए, कितने कार्ड आपने काटे मुझे नहीं पता, मैंने कितने कार्ड काटे मुझे भी नहीं पता, एक आइडिया से हमने काट दिए। अब थोड़ा सा ये कन्फर्म करने के लिए कि बिल्कुल मिले तो नहीं है, हम अपने अपने कार्ड एक बार गिन लेते हैं, ठीक है। तो आप जैसे मैं गिनाऊं, सिग्ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए, सबसे पहले तो ना आपने अपनी मर्जी से काटे, ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपनी मर्जी से काटे, मैंने अपनी मर्जी से काटे, लेकिन ये आप समझ रहे हो कि ये जो कुछ हुआ अपने आप हुआ, इतना करेक्ट, ठीक है। पहली चीज दोस्तों, ये एकदम एक्चुअल कट है, लेकिन ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है,
इसमें कोई मैजिक वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, मैजिक अब होने वाला है क्योंकि भाई दो डेग हैं, आधी आधी काटी है, तो ये एक हो सकता है, इसमें कोई मैजिक वाली बात नहीं है, इतना ऐसा कई बार हो जाता है। तो ठीक है, अब मैजिक शुरू करते हैं। चलिए कुछ कार्ड और काट लीजिए ऐसे। इन कार्डों को आपस में मिक्स कर लीजिए ऐसे। अब एक कार्ड को आप यहां रख लीजिए बिना देखे, एक कार्ड मैं भी रख लेता हूं, दोनों को एक साथ कर रहे हैं। अब इस डेक को भी हटा दीजिए यहां से। दोस्तों बहुत ही मजेदार जादू है, वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए इन कार्डों को भी रेस्ट करने देते हैं, ये रखे हैं शायद आ रहा हूं। चलिए भी एक काम करते हैं, एक बार हम थोड़े थोड़े कार्ड और काट देते हैं, लगभग आधे आधे कर दीजिए, लगभग हाँ आधे आधे, लगभग अंदाज से इनको थोड़ा से मिक्स करिए। इनको भी गेम से बाहर कर दीजिए, सब आइडियाज हो रहा है, कोई काउंट नहीं कर रहा, देखिए। अभी काम करते हैं, बचे हुए कार्ड एक बार गिन लेते हैं, क्या अब बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 बराबर नहीं, आप पूरे काउंट कर लीजिए, 5, 6, 7, 8 अब की बार इनके कार्ड मेरे कार्ड से दोगुने हैं, दोगुने कार्ड। तो एक काम करते हैं, कार्डों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, आप 4 कार्ड गिन के यहाँ रख लीजिए, बाकी को गेम से बाहर कर दीजिए, क्योंकि बराबर गेम खेलना है ना मैं, तो 1, 2, 3, 4 बाकी कार्ड आप बाहर कर दीजिए, इन कार्डों को ऐसे रहने दीजिए। चार कार्ड आपके पास है, 4 कार्ड मेरे पास है जी। चलिए एक काम और करते हैं, कुछ कार्ड अंदाज से हम फिर थोड़े थोड़े अलग करते हैं कार्ड के, आईडी से गिनने नहीं है, बस जो भी आपके हाथ में आते हैं वो रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। इनको भी ऐसे मिक्स कीजिए आपस में ऐसे ऐसे। हो गया जी। इन कार्डों को आप गेम से बाहर कर दीजिए, जो भी आपके हाथ में, आपके पास एक कार्ड बचा है जो आपको पता नहीं है क्या है, ना मुझे पता है क्या है। मेरे पास 4 कार्ड बचे हैं जो मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। ठीक है, मैं इन कार्डों को थोड़ा सा मिक्स करूंगा इस तरह से, और मैं भी क्या करूंगा, गेम से 3 कार्डों को बाहर कर दूंगा, 1, 2, 3। अब एक कार्ड आपके पास है, एक कार्ड मेरे पास जी। आपके कार्डों को आपने हैंडल किया, मेरे कार्डों को मैंने हैंडल किया, हाँ। लेकिन जैसा मैं कह रहा था आप कर वैसा रहते, वैसा ही कर रहे थे, काउंट आप नहीं कर रही थी, काउंट हम तब कर रहे थे जब हम काट के रख देते, जो बच रहे थे उनको हम काउंट कर ले रहे थे बस। आपके कार्डों का ऑर्डर अलग था, मेरे कार्डों का ऑर्डर अलग था। चलिए एक बार इसको खोल के देख लेते हैं क्या है। ये कोई मैजिक नहीं दिखी, ये कार्ड अलग है, ये कार्ड अलग है, ये मैंने इसलिए रखा था कहीं आपको ऐसा ना लग रहा हो कि हर बार कार्ड सेम ही आ रहे हो, तो ये कार्ड सेम नहीं आएंगे जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा। चलिए इनको भी गेम से बाहर कर देते हैं। अब सारा खेल जो है इन कार्डों का, जो हमारे पास बचे हैं, सब किस्मत से बचे हैं। तो आपको पता है कि आपका कार्ड क्या है? जी नहीं, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता मेरा कार्ड क्या है। तो एक काम करते हैं, मैं अपने कार्ड का नाम इसमें लिख देता हूँ, या चलिए ये काम ना करते हुए लिखने से हो सकता है कि बात लीक हो जाए। हम दोनों अपने अपने कार्ड पहले देखते हैं, फिर एक दूसरे को बताएंगे कि हमारा कार्ड क्या जो बचा है। आपके पास कौन सा कार्ड है? 7 7 कैसा है? चिड़ी का बोलते हैं, चिड़ी का। तो एक बार कैमरे को दिखा दो, ये देखो वैसा ही है। ये देखिए दोस्तों, कैमरा पहले एक बार देखता हूँ आ रहा है नहीं आ रहा है,
तो दोस्तों आशा ये मैजिक आपको पसंद आया होगा। बहुत ही पावरफुल मैजिक है, आप इसको कितनी भीड़ में कहीं भी दिखा सकते हैं और किसी के भी माइंड को हैक कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग की इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में डालेंगे, और इसकी एक खास बात और भी है, इसमें इन्फॉर्मेशन भी हम नहीं दे रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है। मेरे हाथ जो भी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इनके हाथ भी कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम करेक्ट थे जी, सेम हुआ। अगर जो चीज़ मेरे पास बच रही है वो चीज़ इनके पास, यानी कि कोई ऐसी पावर भी हमारे आसपास है जो ये ऑटोमेटिक वो काम कर रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आशा है मैजिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मैजिक पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन मज़ेदार मैजिक और उनके ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।